आयशा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को डीएम नहीं किया। भले ही मेरा बेटा कृष्णा डांसर है, लेकिन म्यूजिक वीडियो का उसको कोई शौक नहीं है। हम तो बस यहाँ पर छोटा मोटा इंटरव्यू करते हैं। हमने यार 12 हफ्ते से सोए हुए मुन्ना को जगा दिया, इंटरव्यू क्या चीज है। ओ, हमारे सामने किसी की दादागिरी नहीं चली, दादीगिरी क्या चलेगी। उठो जल्दी बेटा, दादी की चिंता ना कर, दादी जो है बिना म्यूजिक वीडियो के सालों से चलती आ रही है। ऐसा बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। आपकी जर्नी कैसी रही? मैं गई थी बहुत, इससे क्यों ना जस्टिस लेना ये वो, फिर वहां जाके मिन्ना को देख लिया, फिर मेरा जस्टिस भी ऐसा हो गया, मैं जस्टिस ले नहीं पाई। फिर मैं उठी 31st को, जब गिरी उसके बाद वापस उठी, क्या अब लूंगी मैं अपना जस्टिस, मैंने ले लिया नॉमिनेट होने के बाद। जैसे ही उसने आपको नॉमिनेट किया, आप एकदम से एक्टिव हो गई। नहीं, मैं नॉमिनेशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हुई थी, हुई थी, मैंने देखा, क्या मार रहे हैं, मैंने खुद देखा था। तो क्या आप वापस घर के अंदर जाके मुन्ना के प्यार में पड़ गई थी? प्यार में पड़ गई थी, प्यार बहुत बड़ा शब्द है मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ मैं थोड़ा सा फ्लो फ्लो में बह गई थी। ब्रेकिंग न्यूज, आयशा ने कहा कि घर के अंदर वो फ्लो फ्लो में बह गई थी, बह गई थी, बह गई थी। मुनव्वर से आप घर के बाहर मिलेंगे? तो एक थॉट क्यों दिया आपने? वो अभी जब मैं वापस आ रही थी, वो वैसे वो उन्होंने मेरे को वो थॉट दिया ना, इसलिए मुझे लगा कि ये बाहर आने के बाद मिलना चाहेंगे क्या वापस, तो इसलिए। मतलब पूरे शो पे वो मुझे बोलते रहे कि यू नो पर्सनल, मतलब हमें नहीं करना है कि अब, मैं जब 31st के बाद भी आई तो उन्होंने बोला कि नहीं अब गेम पे ध्यान देते हैं ना, इसको गेम वाइज लेके जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नॉमिनेट करते वक्त पर्सनल रीजन दे दिया। अगर वो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगी? हाँ शायद मैं मिलके, जो क्योंकि वो बार बार बोलते रहे थे शो पे कि उनको कुछ ऐसी बातें बोलनी है या समझानी है जो शायद वो कैमरास के सामने नहीं कर पा रहे, जो कि वो कुछ भी कैमरास के सामने नहीं कर पा रहे थे, वो हम देख चुके हैं, पर वो बातें उनको करनी है, तो वो करने का मौका एक शायद दे दूंगी, डिपेंड्स ऑन माय मूड। यार ये जो जर्नी जो आप बता रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार, काफी कंफ्यूजिंग जर्नी थी यार ये। मतलब मैं, हाँ मैं बहुत इससे आई थी कि यू नो रेट से और इससे उससे, बट कैसा होता है कि सामने वाला अगर हथियार ही छोड़ दे कि नहीं हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ मैं हूँ बुरा इंसान, तुम तो हो ना अच्छी औरत, वो वाला जोन था कि भाई ठीक है अब क्या बोलूँ फिर, मतलब ठीक है ओके सॉरी ठीक है फाइन, वो हो गया ना। मैं चिड़िया उड़ी खेलने लग गई, तो बिग बॉस ने मुझे उड़ा दिया। अच्छा आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को आपका रोस्ट नहीं पसंद आया, क्या आपकी जर्नी पसंद नहीं आई? मुझे लगता है उनको मेरी संगत नहीं पसंद आई, जो मैंने 15-20 दिन मुनव्वर के साथ स्पेंड कर लिया ना, वो देख के उन्होंने बोला यार क्या कर रही है आयशा मुनव्वर। खैर मुझे एक बात बताइए, घर में ऐसा कौन है जिससे आप बाहर भी दोस्ती रखना चाहेंगे? अभिषेक सबसे पहले। सबसे पहले अभिषेक? हाँ एक्चुअली अभिषेक और अंकिता जी दोनों ही। सबसे पहले अभिषेक क्यों? क्योंकि उस घर में जितना भी खुश रही हूँ और हंसी हूँ, मैं सबसे ज्यादा अभिषेक के साथ रही हूँ। और मतलब ऐसा होता था कि वो मुझे कुछ, मतलब अभी हमारी थोड़ी लास्ट में ना थोड़ी बहस वहस ये सब हो भी गई थी, तो वो कुछ बोल भी देता था ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मत बोल यार अभिषेक मत कर, लाइक दो टूटे हुए लोग जब साथ मिलते हैं तो अच्छी दोस्ती बनती है। बहुत अच्छा लड़का है। ईशा से मिलूंगी मैं, मेरा थलदोस, मैं उसको थलदोस बुलाती हूँ। क्या बुलाती हूँ उसको? थानोस? थलदोस, खरगोश। अच्छा थलदोस, मेरा थलदोस, थलदोस। तेरा कंदालू कहाँ है? थोड़ा मनारा की एक्टिंग करके दिखा। कौन सा? गंदे हैं मुनव्वर, ये लोग मुझसे मसाला डाल रहे हैं। मुनव्वर, मुनव्वर क्या बात है, वेरी गुड यार, एक्टिंग करती है यार ये। विकी भैया कैसा करता है? जी हाँ आप हैं गलत, जी हाँ नहीं यहाँ मुद्दा नहीं चलेगा, बाहर जाइए। गुड वन। एक बार उसकी कर दो यार, आयशा की। आयशा के लिए जोरदार तालियां, अब बात है। खैर मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलूंगी, फटफट जवाब देना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है? धड़ा धड़, पहले सांस ले लो आप। घर का सबसे बकवास कंटेस्टेंट कौन है? मनारा।
घर में सबसे डर्टी गेम कौन खेल रहा है? नवर बोलती पर वो तो गेम ही नहीं खेल रहा है। तो आपको किस किस के गेम और रिश्ते फेक लगते हैं? मुनवर, विक्की भैया, मुझे बहुत पैसा लगता है कि वो बहुत उसे रिश्ते सिर्फ गेम के लिए बना के बैठे हैं। और अरुण भैया। घर में सबसे रियल कंटेस्टेंट कौन है? अभिषेक। कौन कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ते बना रहा है? मुनवर। कौन सबसे ज्यादा आग लगाता है? विक्की भैया। कौन दूसरों के मुद्दों में घुस घुस के फिनाले वीक में पहुंच गए? अरुण भैया। ये तो ऐसा लगा था मुझे नाम ले ले। आपके हिसाब से टॉप थ्री में आप किसको देखती हैं? ओवरऑल चीजों को देखते हुए अंकिता जी, मुनवर और अभिषेक। विनर? मैं चाहती हूँ अभिषेक जीते। आप चाहते क्यों? है मतलब मैं उसमें वो विनर क्वालिटी देखती हूँ। आयशा दादी, वाकई में बहुत मजा आया आपके साथ, दिल से बोल रही हूँ। क्या एक्टिंग की है, क्या डांस किया है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। सही मौका आ चुका है जाने का, एक बढ़िया डांस करने का। चलो बजाओ।